का शो। नमस्कार, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। वेल दोस्तों, ये एक ऐसा शो है जिसकी चर्चाएं पूरे देश भर में होती हैं। एक ऐसा लाफ्टर शो जो कि काफी लंबे टाइम से पहले टिका हुआ था और अब फिर से इसने कहीं ना कहीं अपने कदम जमा लिए हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस शो से जुड़े हुए तमाम लोगों के लिए क्या ये बड़ी खबर है जो कि इन सितारों की फीस से जुड़ी हुई है। कपिल शर्मा की फीस में थोड़ी सी गिरावट है, ये मैं आपको बताऊंगा और साथ ही बताऊंगा कि आखिरकार कपिल शर्मा शो के लोग कितना कमा लेते हैं। बीते काफी महीने से ऐसी खबरें आ रही थी कि कपिल शर्मा को इस बार पहले की तुलना में बेहद ज्यादा कम फीस दी जा रही है। जाहिर तौर पर उन्होंने अपनी फीस 60 से 80 लाख से घटाकर 15 से 20 लाख रुपए कर दी थी। जी हाँ, 15 से 20 लाख प्रति एपिसोड। इसका जिम्मेदार उनकी पुरानी कंट्रोवर्सी को माना गया। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार बाकी मेंबर्स कितनी फीस ले रहे हैं। भारती सिंह, जो कि शो में तितली यादव का रोल कर रही हैं, वो हर एपिसोड के लिए लगभग 8 लाख रुपए लेती हैं। कृष्णा अभिषेक, जो कभी कपिल के कॉम्पिटिटर के साथ साथ आज साथ में काम कर रहे हैं, वो शो में सपना का किरदार निभा रहे हैं और उनको प्रति एपिसोड 9 से 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। शो में बच्चा यादव का रोल निभाने वाले यानी कि कीकू शारदा हर एक एपिसोड के लिए 5 से 6 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। शुमोना की बात की जाए, जो कि शो में बहुत कम समय के लिए दिखाई देती हैं, शो के लिए उनको 2 से 3 लाख रुपए प्रति एपिसोड दिए जा रहे हैं। रोशन मारिया राव, जिनकी शो में अपीयरेंस 5 से 10 मिनट की होती है, सिर्फ और सिर्फ उन्हें शो के लिए पूरे 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि खबरों की मानी जाए तो नवजोत सिंह सिद्धू को 25 करोड़ रुपए मिलते थे पूरे एपिसोड्स के। जी हाँ, ऐसी खबर वायरल रही। तो वहीं अर्चना पूरन सिंह की भी हाल ही में ऐसी ही कुछ खबर वायरल हुई थी। जी हाँ, कहा गया कि अर्चना पूरन सिंह को 2 करोड़ रुपए दिए गए, वो भी एपिसोड्स के लिए। जाना आपने कि आखिरकार क्या है इन तमाम लोगों की फीस जो कि जुड़े हुए हैं कपिल के साथ उनके शो में। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।